पुण्यात रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, दलित, मुस्लिम, शीख, इसाई, मराठा महासंघ यांची युती होणार आहे. फुले शाहू आंबेडकर विचारांचे लोकसभेचे अधिकृत उमेदवारही जाहीर करण्यात आले आहेत. यांची उमेदवारी दिनांक 4 एप्रिल 2019 रोजी दाखल करण्यात येणार आहे. पुणे लोकसभा मतदारसंघातून रामधर्म डांबले, बारामतीतून सविता अशोक सिंग, मावळमधून भागवत रघुनाथ कांबळे तर शिरूरमधून शाहिद फारुख शेख हे उमेदवार आहेत. तसेच केंद्रीय प्रवक्ते बाबासाहेब थोरात हे रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशाचे सरचिटणीस उपस्थित राहणार आहेत. जब गरीबी से लोग चुन के लाएंगे, वो गरीबों को जानकारी रहेंगी, गुर्बत की जानकारी रहेंगी, वो गरीबों का भला कर सकता है. अगर पैसे वालों को चुन के लाए, वो पैसे के वजह से, नोट के वजह से तुलना करते हैं, 1000-2000 रुपया में वोट खरीदी करते हैं और चुन के लाते हैं. 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नोटबंदी किया, काला धन लाएंगे, काला धन नहीं लाए, खुद काला बन गए. मोदी जी ने कोई कुर्बानी नहीं दिया, गुजरात के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने, अभी तक जो देश आज़ाद हुआ, इनका कोई बलिदान नहीं है.